दोस्तों, सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से तहलका मचा रखा है और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते के अंदर यानी कि 7 दिनों में बॉलीवुड और साउथ की बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड पूरी तरह से चकनाचूर कर दिए हैं। गदर 2 सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दमदार कमाई कर रही है। तो आज हम बात करेंगे गदर 2 के 7 दिनों के कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि फिल्म ने दुनिया भर में टोटल कितने करोड़ की कमाई की है। दोस्तों, बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में जब रिलीज होती हैं तो 2-4 दिन अच्छी कमाई कर लेती हैं, उसके बाद उन फिल्मों के जो कलेक्शन हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने लग जाते हैं। लेकिन सनी देओल की फिल्म गदर 2 के साथ ऐसा नहीं हुआ है। फिल्म को रिलीज हुए 1 हफ्ता हो चुका है, फिर भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई कर रही है। अगर बात करें इस फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की, तो लगभग 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया। दूसरे दिन इस फिल्म ने 43 करोड़ का और तीसरे दिन 51.7 करोड़ का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म ने अपने 3 दिनों के वीकेंड में इंडिया से 134 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी मंडे को 38.7 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म मंडे को सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने अपने 5वें दिन यानी 15 अगस्त को 55.7 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म 15 अगस्त को सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में नंबर 1 पर आ गई। 6वें दिन फिल्म ने 32.37 करोड़ का और 7वें दिन 23.28 करोड़ का कलेक्शन किया। इस तरह इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में इंडिया से 284.63 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 338.5 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म ने रिलीज होते ही पहले हफ्ते में KGF 2, बाहुबली 2 और वॉर जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। KGF 2 के हिंदी वर्जन ने पहले हफ्ते में 268.63 करोड़ और बाहुबली 2 ने 247 करोड़ की कमाई की थी। पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा कलेक्शन के मामले में गदर 2 दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है। वहीं 378 करोड़ रुपए के फर्स्ट वीक कलेक्शन के साथ शाहरुख खान की फिल्म पठान नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।